नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कैसे लोगों को इग्नोर करना है ताकि आप कभी भी धोखा ना खाएं। यह वीडियो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख देगी, इसलिए इसे ध्यान से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे नए और महत्वपूर्ण वीडियोस को न मिस करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। भावनात्मक रूप से कमजोर आदमी का लोग हमेशा फायदा उठाते रहते हैं। जो भी इंसान नर्म दिल का होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से करुणान होता है, वह अपनी करुणा बस दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। तो क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या करुणावान और संवेदनशील होना गुनाह है? कोई गलती है, कोई संवेदनशील आदमी दिल का बहुत अच्छा होता है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार एक युवा लड़का जंगल के पेड़ों पर मुक्के मार रहा था। वह बड़े जोर जोर से मुक्के मार रहा था। वह अपने मन का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उस पेड़ पर मुक्का मार रहा था जिससे उसकी उंगलियां लहू लुहान हो चुकी थीं। उसी जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहां पर एक साधु रोज संध्या के समय स्नान करने आया करते थे। यह उनका नित्य का नियम था। आज जब वह साधु इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस जंगल में आए तो उन्होंने देखा कि एक लड़का जोर जोर से चीख रहा था और रो रहा था और लगातार उस पेड़ पर मुक्के मारे जा रहा था। उस लड़के के आसपास कोई मौजूद नहीं था। इससे उस साधु को उस युवक की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़कर चला जाऊं तो कहीं यह आत्महत्या ना कर ले। ऐसे विचार आने के बाद भी वह कुछ नहीं बोले। वह लगातार उस युवक की तरफ देखे जा रहे थे कुछ देर तक। तो उस युवक ने उस साधु को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा, ना तो यह मुझे रोक रहा है और ना ही कुछ कह रहा है, यह तो बस मुझे देखे जा रहा है। इसका क्या मतलब है? बड़ा अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उस लड़के के मन में उठने लगे। जब कुछ देर बाद भी वह साधु कुछ नहीं बोला तो लड़के ने अचानक से उस साधु से पूछा कि महाशय, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आप खड़े होकर मुझे देख क्यों रहे हैं? साधु ने बड़े शांत स्वर में कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूं, तो मुझसे तुम्हें क्या परेशानी है? मेरी तरह ही यह पेड़ पौधे और पक्षी, यह सब तुम्हें तो देख ही रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझसे क्यों परेशानी है? यह सुनकर और लड़का जोर से चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है, मैं सबसे नफरत करता हूं। यहां पर सब धोखेबाज गद्दार लोग रहते हैं, कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। इस तरह बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा और रोए जा रहा था और साधु उसे देखे जा रहा था। वह साधु उसे चुप करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। यह बात तो उस लड़के को और ज्यादा अजीब लगी। अब रोना छोड़कर उस लड़के ने सीधे खड़े होकर उस साधु से कहा, आप बड़े अजीब आदमी हैं, आपके सामने कोई इंसान रो रहा और आप उसे चुप भी नहीं कर सकते। आपके मन में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। बड़े अजीब और कठोर हृदय वाले साधु हैं। आपको अपने साधु होने पर खुश होना चाहिए। और ऐसे ही ना जाने क्या जली कटी बातें वह युवक उस साधु को सुनाने लगा। कुछ देर बाद जब युवक की सारी भड़ास निकल चुकी तब साधु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूं, तुम्हारे आंसू भी पोंछ सकता हूं, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, उसके बाद फिर वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है, फिर से तुम उसी जिंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाते रहोगे। तो आंसू पोंछने की बजाय तुम्हें मुझसे कुछ न्याय लेना चाहिए, जिससे तुम्हें जीवन में कोई भी धोखा ना दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फायदा ना उठा सके। याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन न्याय और सही समझ देने वाला कभी ही कोई इंसान मिलता है। साधु ने उसे बताया कि मैं पास ही के झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूं, बड़ा ही शीतल पानी है वहां का, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। यहां पर अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने के शीतल पानी में स्नान करो।
जिससे तुम्हारा दिमाग, मन और तुम्हारा शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। ये सुनकर वह लड़का उस साधु के पीछे पीछे चला गया। जंगल के बीचों बीच रास्ता झरने की तरफ जाता था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों तले सूखे पत्तों की चरमरा की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी उजली रोशनी उस जंगल में फेंक रहा था। उस रोशनी में दोनों उस झरने की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उस युवक ने उस साधु से कहा कि महात्मा, आपकी जिंदगी मस्त है, आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं, कितने धोखेबाज, कितने मक्कार, और सबसे बड़ी बात, अपने लोग को ही धोखा देते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं। जब उन्हीं से धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है? कभी कभी तो ऐसे लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए यह दुनिया नहीं बनी है, यह धोखेबाजों के लिए है, मक्कारों के लिए है। वही यहां पर फलते फूलते हैं, वही आनंद से जीते हैं, और हमारे जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वह हमेशा जीवन भर दुख में रहते हैं। यही जीवन की सच्चाई है और यही संसार है जिसमें हमें रोज घुट घुट कर मरना पड़ता है। गुरुदेव, आपने सही किया, ऐसी जिंदगी को त्याग दिया, पीछे छोड़ दिया। अब बस अपने में मस्त, किसी से कोई परेशानी नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं। मैं भी सोचता हूं कि मैं भी संन्यास ले लूं। यह सुनकर उस साधु ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है? साधु ने बड़े शांत स्वर में कहा कि तुम्हें तो दो वक्त की रोटी तो शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होती है। अगर भिक्षा मिल जाती है तो हम खा लेते हैं, वरना हमें तो भूखा ही सोना पड़ता है। यही हमारा सन्यासी जीवन है, हमें हमेशा नीचे सोना पड़ता है, सिर्फ एक लंगोट में रहना पड़ता है। चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो, तो यह सब तुम्हें आसान लगता है, तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। युवक ने कहा कि आप कहते तो ठीक ही हैं, संघर्ष तो दोनों तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, किसी से धोखा ना मिले, हमारे लोग हमारा फायदा ना उठाएं, हमसे झूठ ना बोले, हमें धोखा ना दे, तब तो जीवन जीने का आनंद होता है, वरना जीवन नरक हो जाता है। साधु ने कहा, संन्यास अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है कि हमें संन्यास के मार्ग पर सफलता हासिल करनी है, आगे बढ़ना है, तो ही सन्यासी जीवन सफल हो पाता है। लेकिन तुम अपने घर से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो, तो तुम्हारा सन्यासी जीवन भी कभी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तो तुम सांसारिक जीवन में अगर कुछ तरीके, कुछ नियम अपनाओ, तो दूसरे लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो यह समझो कि धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के साथ धोखे होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी परेशानी बताकर, अपने आप को दुख में बताकर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो, वह दुखी होने का नाटक कर रहा हो, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा, और उसके कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो गया है। उसके बाद आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसीलिए सबसे पहले बात ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो, अंदर से तुम्हारा दिल नर्म है। अगर उन्हें यह कमजोरी आपकी पता चल गई, तो वह कोई ना कोई जाल रचकर आपका फायदा उठाने की जरूर कोशिश करेंगे। चाहे आप अंदर से संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को एहसास मत होने दो, ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोगों को लगेगा कि इससे कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है, ये आदमी कठोर है, नहीं पिघले, तो खुद बखुदा विश्वास करने की आदत ही हमें हानि पहुंचाती है। दो दिन तुम्हें किसी से मिले हुए नहीं होते हैं और तुम एक दूसरे के हो जाते हो, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने लग जाते हो, और ये भरोसा तीसरे दिन टूट भी जाता है, और फिर तुम्हें धोखा मिलता है, और फिर तुम परेशान होते हो। इसीलिए समय दो, किसी भी चीज को, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए समय की जरूरत होती है। समय के साथ तुम्हें सामने वाले इंसान की अच्छाई और बुराई पता चलती है, तब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वह कुछ समय देने के बाद ही होता है। इसीलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो। तीसरा तरीका,
समझने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को समझना होगा जो दूसरों की चापलूसी करते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है चापलूसी करने की। आपके सामने आपकी बड़ाई करेंगे, आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे और आपको लगेगा कि यह इंसान कितने अच्छे हैं, मेरे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन वास्तव में उनकी वह चापलूसी एक जाल होती है ताकि वह आपका दिल जीत सके, और उनको चापलूसी करने का मौका तभी मिलता है जब आप दिखावा करते हैं। अगर आप उनकी चापलूसी से प्रभावित ही नहीं होंगे तो कुछ समय बाद वह चापलूसी करना बंद कर देंगे। इसीलिए किसी के सामने दिखावा मत करो, वरना आप तो आकर्षण के केंद्र बन जाते हो। लोगों को लगता है कि शायद इसके पास बहुत ज्यादा धन संपदा है, इसीलिए इतना दिखावा कर रहा है। और इसी वजह से जो लोग आपका फायदा उठाना चाहेंगे वह आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, आपके चापलूसी करने की कोशिश करेंगे। अगला नियम बताते हुए साधु ने झरने की तरफ इशारा किया। वह झरने के पास पहुंच चुके थे। युवक को भी एहसास हो चुका था क्योंकि वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ढलान की तरफ जाते हुए साधु ने कहा कि सांसारिक जीवन में एक बात समझने की यह होती है कि हम जिसकी सहायता कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में, धन से, शारीरिक रूप से, या जिस भी अवस्था में हम किसी की सहायता कर रहे हैं, तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाला वापस कभी भविष्य में हमारी सहायता करने योग्य है कि नहीं है। अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो यह समझो कि उसके पास आय का कोई साधन है कि नहीं है। कल भविष्य में वह तुम्हें वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर वह नहीं करेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें दुख होगा। ऐसे तो इंसान करुणा वश भिखारियों को भी भीख देता है, लेकिन वह गलत नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा अपने सामने वाले को दिया है उससे आपके ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वह आपको वापस भी नहीं लौटा आएगा, तो अगर किसी ऐसे इंसान को पैसा देना है जो कभी वापस नहीं लौटा पाएगा, तो उतना ही देना चाहिए जिससे तुम्हारे ऊपर ज्यादा दबाव ना बने। अगर वह वापस भी ना लौट आए तो तुम्हें दुख ना पहुंचे। अब तक वह दोनों झरने पर पहुंच चुके थे। दोनों ने अपने कपड़े उतार कर उस झरने के शीतल पानी में कूद पड़े। पानी ठंडा था। उन दोनों की सारी थकन और उदासी पल भर में ही दूर हो गई। स्नान कर लेने के बाद दोनों उस झरने के सामने एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। ने उसे आगे समझाते हुए कहा कि शुरुआत में लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। जब तुम किसी को शुरुआत में नजरअंदाज करते हो तो जो भी लोग किसी लालच की वजह से तुम्हारे पास चिपक रहे थे, उनकी चटनी हो जाएगी। जब तुम उनको नजरअंदाज करोगे तब एक दो बार लोग तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे, उसके बाद वह तुमसे दूरियां बना लेंगे। और जो आदमी तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई देखकर तुम्हारे पास आएगा, वह नजरअंदाज करने के बावजूद भी तुम्हारे करीब ही बना रहेगा। और यही तो एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। जो हमारे अपने होते हैं उनसे हम लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं, उसके बावजूद भी वह हमारी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। चाहे थोड़े समय के लिए वह हमसे नाराज रहे, लेकिन कुछ समय बाद फिर से हम एक हो जाते हैं। और यही तो घर परिवार का मतलब होता है, यही तो अपनों का मतलब होता है। इसीलिए शुरुआत में अनजान लोगों को नजरअंदाज करना सीखो, इग्नोर करना सीखो, ताकि धोखेबाज मक्कार लोग तुम्हारे करीब ही ना आ पाए। अपने इस वार्तालाप को का खत्म करते हुए साधु ने अपनी आखिरी और पांचवी बात बताते हुए कहा कि यह आखिरी सीख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ होने बाद भी तुम्हें धोखे मिल सकते हैं, लेकिन तुम अगर अपने आंख और कान और अपना दिमाग खोलकर रखते हो, अगर तुम होश में रहोगे, ध्यान करोगे, तो तुम्हें इंसान की आंखें देखते ही समझ में आ जाएगा कि उसे तुमसे क्या चाहिए। तुम उसकी इच्छा और उसका स्वभाव उसकी आंखों में ही पढ़ सकते हो। लोगों की आंखों में, उनकी वाणी में, उनके स्वभाव में उनका सब कुछ दिखाई देता है। बस हम ही अपनी आंखें मूंद कर रहते हैं। दूसरे लोगों से जानो, उसके रिश्तेदारों से जानो, उसके परिवार वालों से जानो कि वह इंसान कैसा है, दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, उसकी जांच पड़ताल करो। जब किसी पर विश्वास करो, ऐसे ही किसी पर विश्वास मत कर लेना। अगर तुम किसी के साथ लंबे समय तक भरोसा करना चाहते हो, किसी के साथ कोई संबंध बनाना चाहते हो और कोई दोस्ती करना चाहते हो या किसी की मदद करना चाहते हो, तो इन सभी परिस्थितियों के बारे में तुम्हें जरूर पता होना चाहिए कि दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोच रखते हैं। इसके बाद तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और तुम्हें कभी भी धोखे की वजह से पछताना नहीं पड़ेगा। इसी तरह की बातें करते हुए साधु और वह लड़का दोनों जंगल से बाहर आ गए और अपने अपने घर को चले गए। दोस्तों,
आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।